देखिए, इसमें हमें एक्स वाई जेड निकलना दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 1 0, और यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स इनटू में एक्स वाई जेड और इक्वल टू में एक कॉलम मैट्रिक्स है 2 -1 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो एक्स प्लस जीरो प्लस जीरो, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो जीरो प्लस जीरो प्लस वाई, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा जीरो प्लस, सॉरी यहाँ जेड ना हो जाएगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, फिर ये आ जाएगा जीरो प्लस वाई प्लस जीरो और इक्वल टू में यहाँ 2 -1 3। चलिए आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा जेड, यहाँ हो जाएगा वाई। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं, तो देखो तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2, वाई का वैल्यू हो जाएगा 3 और जेड का हो जाएगा -1। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर